बड़े बड़े दिग्गज हैं इस लास्ट फेज में। अगर मैं ये कहूंगा, योगी आदित्यनाथ ने भी आज वोट किया है, गोरखपुर में रवि किशन चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी चल सकते हैं शाजिया, लेकिन आपको क्या लग रहा है, आपकी आप बेशक 400 पार का नारा है बीजेपी का, और बीजेपी कह रही है शुरू से कि 400 पार हम जाएंगे, आपको ये लग रहा है कि 2019 वाले जो नतीजे थे उसको पार करने जा रहे हैं इस बार, ये आपको पार्टी लाइन के हिसाब से बोलना पड़ेगा? जी शाजिया, आपको लग रहा है कि 2019 वाले जो नतीजे उसको पार करने जा रहे हैं इस बार? देखिए, लोकसभा चुनाव है सुहेल, और आप देखिए लोकसभा चुनाव में चयन होता है प्रधानमंत्री का, केंद्र सरकार का, और मुझे लगता है जहाँ तक बात है एक विजन की, एक मिशन की, एक संकल्प की और एक ट्रैक रिकॉर्ड की, उसमें कोई भी प्रधानमंत्री जी के आगे कोई भी चेहरा ना तो टिकता है ना आता ही है दिमाग में। अगर आप देखिए, कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे थे कि वो आज मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग में तय किया जाएगा कि कौन उनका प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकता है, और दूसरी तरफ एक ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है, दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों का इस पूरा राष्ट्र शाजिया जी, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और एक्साइटमेंट लेवल आप देखिए कि 6 बजे होनी थी ये बैठक, 6 बजे होनी थी, ये पहले ही हो गई, ये पहले ही शुरू हो गई, उस पर भी मैं आऊंगी। लेकिन एक बड़ी खबर सुहेल इस वक्त आ रही है, 7वें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग जारी है, 7वें चरण में 3 बजे तक का आंकड़ा तो सामने आया है, अभी कुछ ही देर में 5 बजे तक का भी आंकड़ा सामने आ जाएगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हम आपको राज्यवार दिखा रहे हैं कि ओवरऑल अगर बात करें तो 49.68%, बिहार की अगर बात करूं तो 3 बजे तक 42.95% मतदान हुआ है, पश्चिम बंगाल में 3 बजे तक 58.46% मतदान हुआ है, उधर चंडीगढ़ में 3 बजे तक 52.61% मतदान हुआ है। सुहेल, तो हम आपको वोटिंग परसेंटेज भी लगातार बता रहे हैं, हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, आपको बता दूं सिर्फ थोड़ी देर में रिपब्लिक भारत का डबल एग्जिट पोल आप देखने वाले, एक नहीं दो दो एग्जिट पोल जो आपको और ज्यादा साफ तस्वीर आपके सामने रखेंगे कि 7 चरणों में जो वोटिंग हुई है उस वोटिंग के नतीजे लगभग आपको एक अंदाजा लगेगा कि कहां तक जा सकते हैं, क्या बीजेपी वाकई 400 पार का नारा देने के बाद हिमानी 400 तक पहुंच रही है या फिर गाड़ी उससे पहले रुकने वाली है। सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 मिनट में रिपब्लिक का एग्जिट पोल आपके सामने होगा। अंतिम चरण के मतदान, बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ सुहेल जैसा कि आपने भी बताया कि एक तरफ एग्जिट पोल जो थोड़ी ही देर बाद आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि लोकतंत्र का महापर्व भी जारी है, दूसरी तरफ अंतिम चरण के लिए, 7वें चरण के और अंतिम चरण के लिए जो वोटिंग है वो रही है, आधे घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया है, आधे घंटे से भी कम वक्त जो है वो अब बाकी रह गया है, लेकिन अभी भी कई पोलिंग बूथ हैं सुहेल जहां पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। अगर आप हिमाचल की बात करें तो वहां पर देखिए जबरदस्त तरीके से उत्साह लोगों में देखा जा रहा था, आप बनारस की बात करिए, आप सोचिए कि पारा इतना पहुंचा हुआ है, लेकिन बावजूद उसके आपको पोलिंग बूथ पर ऐसा नहीं दिखेगा जैसा आपको यहां दिखता है। तो थोड़ी देर में सबसे सटीक एग्जिट पोल आने वाला है आपकी टीवी स्क्रीन पर, सिर्फ 30 मिनट लगभग बचे हैं वोटिंग जो चल रही है जिन सीटों पर, हमारे साथ खास मेहमान बने हुए शाजी, आपको क्या लग रहा है और क्या वजह नजर आ रही है कि जैसे हम अगर इसे कैलकुलेट करें 2019 में स्ट्राइक्स हुई, बालाकोट स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक्स हुई, उसकी वजह से जो वोटिंग टर्नआउट था आप देखिए लोगों ने बहुत ज्यादा निकल के वोट किया और बीजेपी को और एनडीए को 350 सीटें आई लगभग, इस बार आपको ऐसा क्या वजह लग रही है कि 400 पार बीजेपी जाएगी? शाजिया, देखिए मैं मानती हूँ आपकी बात, कई जगह प्रतिशत कम हुआ है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इसमें भाजपा के लिए जो वोट पड़ रहा है, जो पूरी तरह से कमिटेड एक वोट है और प्रतिबद्ध जो लोग हैं भाजपा के लिए और अपनी खुशहाली के लिए, वो आगे नहीं आएंगे। दरअसल जिस तरह का काम 10 सालों में हुआ है,
बिना किसी भेदभाव के, जिसमें वाकई में जो गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उसकी जिंदगी बेहतर हुई है। और ये लोग ये भी देख रहे हैं कि सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान कुछ कर सकता है और करना चाहेगा और करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक कर्म योगी है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। तो एक यकीन है, मुझे लगता है एक विश्वसनीयता जो होती है वो तभी होती है जब लोकप्रियता से बढ़कर होती है, और विश्वसनीयता तभी होती है जब लोगों को वाकई में इसका कुछ एहसास हो, कुछ आभास हो। तो मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है कि पहली बार लोगों को 10 सालों में ये यकीन है कि देखिए 10 साल में चीजें बदली हैं हमारे देश के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे शहरों के लिए, हमारे राज्यों के लिए। लोग ये देख रहे हैं बाकायदा है। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ा एक जो तजुर्बा है, निजी तजुर्बा है हर एक नागरिक का। इसी के चलते मुझे यकीन है कि हम लोग पूरी तरह से सब। अजीज साहब, आपको आपको उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है? मेरा सवाल इसलिए आपसे कि आप पिछली बार बुआ के साथ मिलकर लड़े, कोई खास करिश्मा नहीं हुआ। आपको इस बार क्यों लग रहा है कि यूपी के दो लड़के, वैसे बहुत से लोग कहते हैं वो लड़के नहीं रहे, उनको लड़के मत कहिए, बहुत से लोग ये भी कहते हैं, क्या लग रहा है ऐसा कि इस बार ये वाली जोड़ी कमाल करेगी और क्यों? देखिए सुहेल भाई, बड़ा बहुत दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है और उसको सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब तो चूंकि चुनाव बिल्कुल लास्ट मोमेंट में है, लेकिन अब जो मैं बोल रहा हूं बहुत सत्यता पूर्वक बोलने जा रहा हूं, उसको बहुत गंभीरता से सुने और उसे नोट भी करें। इस बार आपने गौर किया होगा, देखिए 19 का और 14 का आंकड़ा मत देखें आप, 19 में क्या परिस्थिति थी, 14 में क्या परिस्थिति थी, वो दुनिया ने देखा उसे। इस बार आपने देखा माननीय मोदी जी, चूंकि उनकी कोई उपलब्धि नहीं रही, जब भी उस स्टेज पे गए, वो जब जब स्टेज पे गए तो वो लगातार गोल पोस्ट चेंज करते गए, क्योंकि उनके पास बताने के लिए कुछ था ही नहीं। अगर वाकई में कोई विजन होता, 2024 का विजन या इससे पहले जो उपलब्धियां होती, तो वो कुछ बताते। आप खुद बताएं कि देश का हमारा प्रधानमंत्री, आप समझिए स्टेज पे जाके कह रहा था मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा, चोरी करके इनको बांट दिया जाएगा, भैंस चोरी करके इनको दे दिया जाएगा, तमाम तरीके के इस तरीके के स्टेटमेंट। आप खुद इस बात को बताएं, क्या प्रधानमंत्री द्वारा ऐसे स्टेटमेंट देना ये शोभनीय है? नहीं। लेकिन चूंकि बताने के लिए कुछ नहीं, हिंदू और मुसलमान हमारे देश के प्रधानमंत्री ने करने की कोशिश की, इसलिए क्योंकि उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं था। तो इस बार जो चुनाव रहा है वो चुनाव बिल्कुल मुद्दों पे हुआ है, इनकी नीयत ठीक नहीं रही। पहली बात तो संविधान का बहुत बड़ा इशू रहा कि संविधान बदलने की इनकी पूरी मंशा रही, आरक्षण ये खत्म करना चाह रहे थे, इन्होंने 60 लाख ऐसे बेरोजगार की बात आप करते हैं साहब, उस पर कुछ भी बदलने की बात आप करते हैं साहब, और संविधान बदलने की बात वो कर रहे हैं। मतलब ये आपने अच्छा जोक मारा डॉक्टर खान, इस पर आगे हम और चर्चा यहाँ पर करेंगे। लेकिन जैसे मेरे सहयोगी सुहेल भी आपको लगातार यहाँ पर बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं कि वो जो सबसे सटीक एग्जिट पोल है वो कुछ ही देर में स्क्रीन पर। जी हाँ, और एक नहीं, डबल एग्जिट पोल सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।